और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर जो कि है उत्तर प्रदेश से। इस खबर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फतेहपुर से एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है और नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन धर्मांतरण करवाया गया। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद जबरन धर्मांतरण का मामला इस दौरान सामने आया है। धर्मांतरण के बाद में नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह किया और बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद राजू नाम के मुस्लिम युवक ने पहले नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसला कर फिर उसका अगवा किया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इस पूरी वारदात के बाद आरोपी ने नाबालिग का जबरन धर्मांतरण कराते हुए उससे निकाह किया। इस बीच थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। अगवा नाबालिग को 14 जुलाई को सकुशल बरामद किया गया है, जबकि छापेमारी के दौरान मौके से ही फरार हुए आरोपी मोहम्मद राजू को भी आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। उत्तर प्रदेश में अभी भी किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं ये हैरान कर देते हैं। आपको याद होगा इसके पहले भी हमने देखा था कुशीनगर में एक नाबालिग के साथ में इसी तरह से अगवा कर धर्मांतरण, बल्कि उसे नेपाल में बेचे जाने का भी मामला सामने आया था जिसमें पूरा परिवार संलिप्त था। अब एक और नाबालिग के साथ में पहले दुष्कर्म और फिर धर्मांतरण के बाद निकाह करने का मामला सामने आया। 14 जुलाई 2023 को बरामद कर लिया गया है। उसके बयान से यह प्रकाश में आया है कि मुस्लिम लड़के द्वारा उसको धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था, जो जिसके संबंध में उचित धाराओं का समावेश कर लिया गया है। आज अभियुक्त राजू सनाम गफ्फार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सभी कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे साथी मनीष यादव इस समय जुड़ रहे हैं। मनीष, एक के बाद एक अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से पहले कुशीनगर फिर गाजियाबाद और अब एक और मामला सामने आया, किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, अब क्या एक्शन लिया गया है? देखिए रहना, एक लंबी फहरिस्त है धोखे और साजिश की। इसमें एक कहानी और जुड़ी है फतेहपुर से। एक नाबालिग को राजुल उर्फ राजू नाम से, उसे पहले लड़की को प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंसाया गया, फिर उसे लेकर भाग भी गया, उसके अपहरण की साजिश रचकर उसे गुमराह करके उसे अपने साथ ले गया। हालांकि घर वालों ने फुर्ती दिखाई, पुलिस में शिकायत दर्ज की, पुलिस ने एक्शन लिया और मौके से लड़की को बरामद किया गया और जो राजुल शाह है, पिता का नाम गफ्फार शाह है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसके साथ सहयोग जो करने वाले लोग हैं जिन्होंने इसको राजुल को छिपने में मदद की, लड़की को भगाने में मदद दी गई, इन लोगों की तलाश भी यूपी पुलिस कर रही है, फतेहपुर पुलिस कर रही है। लेकिन एक कई सारे सवाल खड़े होते हैं, केवल फतेहपुर का मामला नहीं है बल्कि अलग अलग जिलों से इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू है और उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जा रही है और एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इस तरह की छिटपुट वारदातें अलग अलग जिलों से सामने आती रहती है। तो इससे पता चलता है कि कोई ऐसा संगठन, कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर लव जिहाद को धर्मांतरण जो का जो एक गैर जो नापाक इरादा है उसको आगे बढ़ाने के लिए लव जिहाद जैसी घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। लड़कों को या तो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर उन्हें कोई ऐसा ऑर्गेनाइज संगठन उन्हें पैसा मुहैया करा रहा है ऐसी ऐसे कामों के लिए। तो पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है, एटीएस की टीम भी जुटी हुई है, क्योंकि कुछ जो लोग अरेस्ट हो चुके हैं बीते कई सालों में कानपुर से, उनके हवाले से ऐसी खबर आई थी कि धर्मांतरण का एक तरीका लव जिहाद भी है और लव जिहाद को संगठित रूप से कोई पाक परस्त आतंकी संगठन डील कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश फतेहपुर पुलिस कर रही है। हालांकि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी सहयोगी की तलाश की जा रही है। ठीक है, आखिर किस तरह से पूरा रैकेट चल रहा है ये हम लगातार देख रहे हैं। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक तरफ धर्मांतरण का मामला आपने देखा।